It is important to note that the information in this video is for study training purposes only. Welcome to AME Module 7 Maintenance Practices video series. इस सीरीज में हमारा फोकस रहेगा क्रिटिकल मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस पे, इंश्योरिंग सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड एयरवर्थीनेस ऑफ एयरक्राफ्ट. इन प्रैक्टिसेस में हम रूटीन इंस्पेक्शंस, ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स और कंपोनेंट रिमूवल एंड इंस्टॉलेशन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो मॉड्यूल 7 पार्ट 1 में आज हम डिस्कस करेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस को, जिसमें हम फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड, वर्कशॉप एंड हैंगर सेफ्टी एंड फ्लाइट लाइन सेफ्टी को डिस्कस करेंगे. सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें सबका कोऑपरेशन चाहिए टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंजरीज. मेनली एक्सीडेंट ह्यूमन केयरलेसनेस के कारण होते हैं. अगर एयरक्राफ्ट के नेचर और डिज़ाइन को देखा जाए तो एयरक्राफ्ट एक डेंजरस वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए बने हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट के सपोर्ट एंड मेंटेनेंस के लिए वैरायटी ऑफ मशीन्स, टूल्स, मटेरियल्स की ज़रूरत इसको और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है. पर्सनल सेफ्टी, जिसमें अप्रोप्रिएट वर्किंग ड्रेस से लेके करेक्ट यूज़ ऑफ आई एंड ईयर प्रोटेक्शन तक जहाँ भी ज़रूरत हो हमें यूज़ करना है. बात करें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, इसमें सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस, सेफ्टी गूगल्स, फेस शील्ड्स, ईयर प्रोटेक्टर्स, स्टाउट ग्लव्स, सूटेबल एप्रॉन, दीज ऑल आर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वी कैन यूज एज एंड वेयर रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज, हमें उन्हीं इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है जिससे हम फेमिलियर हों और सेफली ऑपरेट कर सकते हों. बात करें हैंड टूल्स की, तो टूल्स की प्रॉपर काउंटिंग, कीपिंग ऑफ टूल्स इन गुड वर्किंग ऑर्डर और क्लीनलीनेस ऑफ टूल्स भी बहुत ज़रूरी है. वर्कशॉप एंड हैंगर्स की गुड हाउस कीपिंग बहुत ज़रूरी है टू सेफ एंड एफिशिएंट मेंटेनेंस के लिए. हैंगर या वर्कशॉप में पेडेस्ट्रियन और फायर लेन्स की प्रॉपर मार्किंग बहुत ज़रूरी है, और ये भी ध्यान रखना है कि पेडेस्ट्रियन या फायर लेन्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस ना हो. ऑयल, ग्रीस या फ्यूल के स्पिलेज को इमिडिएटली सार्डस्ट या किसी भी ऑब्जॉर्बेंट मटेरियल से कवर करके क्लीन कर देना चाहिए टू प्रिवेंट फायर और एनी इंजरीज. सभी पर्सनल्स का फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और फर्स्ट एड के फिक्स पॉइंट्स की लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, और उन्हें वर्कप्लेस के सभी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज के बारे में पता होना चाहिए, और उन्हें प्रोसीजर जो कि इमरजेंसीज में फॉलो करने हैं उनकी भी जानकारी होनी चाहिए. इसके साथ ही प्रॉपर साइन पोस्टेड करने चाहिए जो कि डेंजरस इक्विपमेंट, हजार्डस कंडीशंस, फर्स्ट एड पॉइंट्स और फायर इक्विपमेंट को इंडिकेट करते हों. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे FOD की, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज. सो FOD इज एनी डैमेज कास्ड बाय एनी लूज ऑब्जेक्ट टू एयरक्राफ्ट, पर्सनल्स और इक्विपमेंट. इन लूज ऑब्जेक्ट्स में रनवे कंक्रीट, सेफ्टी वायर्स, टूल्स, नट बोल्ट से लेकर क्लोथ्स तक कुछ भी हो सकता है. FOD को कंट्रोल करने के लिए हमें वर्किंग एंड ऑपरेशनल एरियाज की क्लीनिंग एंश्योर करनी है, टूल डिसिप्लिन प्रोग्राम को फॉलो करना है, कन्वीनियंट प्लेसेस ऑफ ट्रेस, यूज क्लॉथ एंड कंज्यूमेबल्स का होना बहुत ज़रूरी है. मॉडर्न गैस टर्बाइन इंजन्स फ्रंट में लो प्रेशर एरिया क्रिएट करते हैं, जिससे लूज ऑब्जेक्ट्स इंजन में इजीली सक हो सकती है. सो FOD प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है एविएशन सेफ्टी के लिए. सेफ्टी विद ऑयल्स एंड केमिकल्स. स्किन प्रोटेक्शन के लिए प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप हार्मफुल ऑयल्स एंड केमिकल्स के कॉन्टैक्ट में काम कर रहे हो. बैरियर क्रीम या ग्लव्स का अप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है प्रायर टू वर्क स्टार्ट, एस्पेशली जब आपकी केमिकल या ग्रीस की जो कि इरिटेशन पैदा कर सकते हैं, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क रिमूवल ऑफ ऑल ट्रेसेस बाय वॉशिंग बहुत ज़रूरी है. सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी. एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस शॉप्स में इलेक्ट्रिक पावर का हर दिन यूज होता है, तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. नो डू नॉट यूज़ कॉर्ड्स दैट आर फ्रेड और दैट हैव एनी ऑफ द वायर्स एक्सपोज्ड. जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिक करंट बॉडी के नर्वस सिस्टम को डैमेज करके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ करंट्स को जला देता है. Since water conducts electricity, you must avoid handling electric equipments while standing on a wet surface or wearing a wet shoes. To minimize the risk of shock, make sure that all electric equipments are connected with the three wires. Next, हम बात करेंगे ऑक्सीजन सेफ्टी कंसिडरेशंस की.
सो प्योर ऑक्सीजन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बीच में एप्रोप्रिएट डिस्टेंस का रखना बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट एन एक्सप्लोजन। ऑक्सीजन सिस्टम पे काम करते वक्त एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मैनुअल में दिए गए वार्निंग प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम ऑक्सीजन सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो नियर बाई नो स्मोकिंग प्ले कार्ड्स को रखना और फायर एक्सटिंग्विशर्स को प्लेस करना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन सिलेंडर को एक वेंटिलेटेड एंड कूल डेजिग्नेटेड प्लेस में स्टोर करना ज़रूरी है। साथ ही एयरक्राफ्ट में जब भी आप ऑक्सीजन चार्जिंग कर रहे हो तो एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रिकल सप्लाई को ऑफ कर देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ फायर सेफ्टी। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल टूल्स प्रयोग में किए जाते हैं जो स्पार्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ हीट प्रोड्यूस करते हैं और साथ में फ्लेमेबल एंड एक्सप्लोजिव लिक्विड एंड गैसेस का भी यूज़ किया जाता है, तो फायर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फायर सेफ्टी की सबसे ज़रूरी चीज़ है ये जानना कि फायर किसके द्वारा लगी और उसे कैसे रोका जा सकता है। मेनली थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए फायर: फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। फ्यूल कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि कंबसिबल हो। बात करें हीट की तो हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल टू इट्स इग्निशन। जो हमारा फ्यूल है, जो कि कंबसिबल मटेरियल है हमारा, उसके टेम्परेचर को रेज करना टू इट्स इग्निशन पॉइंट ताकि कंबसन ईजी हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। सो ऑक्सीजन का यूज होता है टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन रहेगा तो कंबसन की जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर की। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास ए फायर, जिसको हम सॉलिड फायर कहते हैं। देन क्लास बी फायर, जिसे हम लिक्विड फायर कहते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लास सी फायर, जो कि मेनली हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जो फायर होगी उसको क्लास सी फायर का नाम देते हैं। सो क्लास ए जो कि हम सॉलिड फायर कहते हैं, उसमें मेनली वुड्स, क्लॉथ्स, पेपर्स लाइक। नेक्स्ट हम जो बात किया वो किया क्लास बी फायर का। क्लास बी फायर जो कि लिक्विड फायर है, उसमें आपका फ्लेमेबल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होंगे, ऑयल वगैरह, पेट्रोल फ्यूल वगैरह, ऑल दैट आर कवर्ड इन क्लास बी फायर। एक क्लास डी फायर भी होता है, जिसमें हमारे फ्लेमेबल मेटल्स में अगर आग लगती है उसको हम क्लास डी फायर कहेंगे, जिसमें लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, इनमें अगर फायर लगती है तो उसको क्लास डी फायर में कैटेगराइज करेंगे। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर? तो उसमें सबसे कूलिंग द फ्यूल, जो हमने तीन जो फायर ट्रायंगल में जो डिस्कस किए थे, फ्यूल कोई भी कंबसिबल मटेरियल होगा तो इसमें पहला स्टेप है कूलिंग द फ्यूल, मींस हमारा जो कंबसिबल मटेरियल है उसके टेम्परेचर को कम करना, उसको कूल करना। नेक्स्ट वन इज़ एक्सक्लूडिंग O2, एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कट ऑफ करना, जो हमारा थर्ड जो हमारा फायर ट्रायंगल में जो हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन, तो हम उसे कट करना है टू एक्सटिंग्यूस फायर। एंड द थर्ड वन इज सेपरेटिंग द फ्यूल फ्रॉम ऑक्सीजन। अगर हम फ्यूल को ऑक्सीजन से सेपरेट कर देंगे तो भी हमारा फायर फाइटिंग हो जाएगा। सो इसमें हम बात कर रहे हैं एक्सटिंग्यूसर्स की, तो एक्सटिंग्यूसर्स भी कई टाइप के होते हैं। बात करें वाटर एक्सटिंग्यूसर की, सो जो वाटर एक्सटिंग्यूसर है वो बेस्ट है क्लास ए फायर्स के लिए। क्लास ए फायर मीन्स सॉलिड फायर्स होते हैं। वाटर हैज़ टू इफ़ेक्ट्स, वाटर के दो इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें पहला इफ़ेक्ट जो होगा वो होगा कि वाटर जो है ये मटेरियल्स को एक तो टेम्परेचर डाउन करता है, कूलिंग कर देता है मटेरियल की, एंड ऑक्सीजन को ये सेपरेट कर देता है हमारे फ्यूल से। सो वाटर एक्सटिंग्यूशर क्लास बी फायर के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो वाटर पे फ्लोट करते हैं। सो ये उस पर अच्छे से काम नहीं करेगा वाटर एक्सटिंग्यूशर हमारा क्लास बी टाइप ऑफ फायर के लिए। एक और प्रिकॉशन है कि वाटर एक्सटिंग्यूशर को अगर हम इलेक्ट्रिक फायर पे यूज़ करेंगे तो उससे पहले एक एक्सट्रीम कॉशंस लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल इलेक्ट्रिकल पावर्स को रिमूव या शट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। साथ में
जितने भी कैपेसिटर्स एंड कॉयल्स होते हैं जिनमें रेजिडुअल इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है उसको भी कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप वाटर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फायर पे। नेक्स्ट इज वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को क्लास डी फायर्स में यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वाटर एक्सटिंग्विशर जो हैं वो मेटल जो होते हैं वो एक एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे बर्न होते हैं और जो वाटर जो है उसका टेंडेंसी है कि जो कूलिंग इफेक्ट देगा हमारे मेटल्स को जिसके कारण एक एक्सप्लोजन होगा एक एक्सप्लोजिव एक्सपेंशन होगा हमारे मेटल्स में। सो वाटर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर को हम क्लास डी फायर्स में यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज CO2 एक्सटिंग्विशर्स। CO2 एक्सटिंग्विशर यूज्ड फॉर क्लास ए बी एंड सी फायर्स। ऑल्सो लाइक वाटर एक्सटिंग्विशर CO2 कूल्स बर्निंग मटेरियल। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को क्लास डी फायर्स में यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी जो CO2 है वो भी कूलिंग इफेक्ट देगा हमारे हॉट मेटल को जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बर्न होते हैं एंड दिस कैन कॉज द एक्सप्लोजिव एक्सपेंशन ऑफ मेटल्स। तो CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते समय हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का पहनना भी बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट कोल्ड इंजरीज। नेक्स्ट वन इज़ ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर की हम बात करें तो इसमें मेनली बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा अमोनियम फॉस्फेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट यूज़ होते हैं ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स में और ये सूटेबल होता है मोस्ट ऑफ द क्लासेस ऑफ फायर में और जो मेनली जो मेटल्स का जो बर्निंग होता है जो क्लास डी हमारी जो फायर होती है उसमें हम ड्राई पाउडर का यूज़ करते हैं लाइक हमारी एयरक्राफ्ट के व्हील ब्रेक्स में अगर फायर लगती है तो उसको हम क्लास डी फायर बोलेंगे और इन दैट केस हम इस उसमें ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ कर सकते हैं। किसी फायर पे गलत एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ बहुत घातक हो सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है इसलिए इमरजेंसी में एक्सटिंग्विशर के क्विक आइडेंटिफिकेशन के लिए इन पे मार्किंग किया जाता है और ये भी बहुत ज़रूरी है कि सभी लोग इन मार्किंग से अवेयर हों ताकि किसी भी फायर के लिए सही एक्सटिंग्विशर का यूज़ हो सके। सो आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे हो जिससे आप पता लगाओगे कि कोई भी जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होगा उसका क्या कलर होगा और वो कौन सी फायर के लिए यूज होगा। सो ये चार्ट आप देख सकते हैं और डिफरेंट मार्किंग्स यहाँ पे दी गई हैं कि किस कलर की मार्किंग्स होती हैं हर फायर एक्सटिंग्विशर्स के ऊपर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।